की 3 मिनट में बात रखी जा सके। राज्यसभा की रूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि स्थगन नोटिस पर सिर्फ 3 मिनट का समय ही मिलेगा, और उसके बाद फिर मैंने अपनी बात रखनी शुरू की। जैसे ही मैंने अपनी बात सदन के समक्ष रखनी शुरू की तो तुरंत ही सत्ता पक्ष की ओर से उनके संसद सदस्यों के साथ साथ मंत्रीगण भी खड़े हो गए और मुझे बोलने से रोकना शुरू कर दिया तथा मुझे अपनी बात कहने पर वे लगातार अवरोध उत्पन्न करते रहे। बीजेपी के संसद सदस्यों के साथ साथ उनके मंत्रीगण भी मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात न रखने देने के उद्देश्य से लगातार शोर शराबा और अवरोध उत्पन्न करते रहे। इसके बावजूद भी मैंने शोर शराबे के बीच अपनी पूरी बात सदन के समक्ष रखने की कोशिश की और कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी व इनकी एनडीए की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में व अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों का विभिन्न स्तरों पर जो बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया है, जो अभी भी लगातार जारी है, तो वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये बात कहते हुए मैंने कहा कि मुझे पूरे सदन का ध्यान खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व स्वार्थ के तहत जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में कराए गए दलित उत्पीड़न की घटना की तरफ दिलाना चाहती हूं, जिस पर पर्दा डालने के लिए बाद में इन्होंने वहां एक दलित संगठन को भी इस्तेमाल करके उसे जातीय हिंसा का नाम दे दिया है। मैंने इतना ही कहा था कि सत्ता पक्ष के ज़्यादातर संसद सदस्य और उनके साथ साथ मंत्रीगण पुनः खड़े हो गए और वे मुझे अपनी बात कहने से रोकते रहे और नारे लगाते रहे। इस बात पर हमारी पार्टी के संसद सदस्यों के साथ साथ विपक्ष के सदस्यों ने भी माननीय उपसभापति से आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों को बैठाया जाए और सदन को सुचारू रूप से चलाते हुए बीएसपी की नेता को अपनी पूरी बात रखने दिया जाए। परंतु अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि माननीय उपसभापति ने सत्ता पक्ष के लोगों को शांत कराने की जगह घंटी बजाकर मुझे ही बैठने के लिए कह दिया और मुझे अपनी बात वहीं रोकने के लिए कहा क्योंकि 3 मिनट हो चुके हैं। इस पर मैंने माननीय उपसभापति से बार बार ये कहा कि राज्यसभा की रूल बुक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि स्थगन प्रस्ताव की नोटिस पर केवल 3 मिनट का समय ही मिलेगा, और जो 3 मिनट बीते हैं वह भी ज़्यादातर सत्ता पक्ष ने शोर शराबा मचाकर बर्बाद कर दिया और मुझे अपनी बात कहने से रोका गया। मैंने ये भी कहा कि सहारनपुर कांड कोई मामूली मामला नहीं है, अतः मुझे इस बात को संसद में रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। परंतु माननीय उपसभापति से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी मुझे और मौका दिए जाने से मना कर दिया। इस पर मैंने पुनः जोर देकर अनुरोध करते हुए ये भी कहा कि अगर सत्ता पक्ष अपनी बीजेपी की सरकारों में खुलेआम हो रहे दलितों के लगातार उत्पीड़न व हत्याओं के मामलों पर भी मैं राज्यसभा के सदन के अंदर नहीं बोल सकती हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरा सदन के सदस्य के रूप में आगे बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।